कौन प्रोग्राम शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूँ समीना। कब रुकते हैं, कब झुकते हैं, हम तो चलते जाते हैं। एक मंजिल पर पाँव है अपना, एक मंजिल है आगे भी। ध्रुपद संगीत भारत की सबसे पुरानी परंपराओं में से एक है और इस परंपरा को बहुत ही सलीके और करीने से आगे ले जा रहे हैं वो जो है खामोश तबीयत लेकिन आवाज की गहराई समंदर की तरह। ध्रुपद धमार की गौरवशाली परंपरा का चमकता सितारा उस्ताद वासिफुद्दीन जागर। क्लासिकल गायकी का एक खास रंग ध्रुपद गायन, रियाज और समर्पण है जिसकी पहली शर्त। इस एक विधा में माहिर वो जिनकी आवाज की गहराई और अदायगी सबसे जुदा, उस्ताद फयाजुद्दीन जागर और महमूदा बेगम की आंखों का तारा उस्ताद वासिफुद्दीन जागर। पांच साल की उम्र से मौसिकी की तालीम ली, अभी होश संभाला भी ना था कि वालिद साहब का साथ छोड़ दिया। अपनी पहली पेशकश उन्होंने अपने चचा उस्ताद जहीरुद्दीन जागर साहब के साथ दी। उस्ताद वसीफुद्दीन जागर ने बरसों से चली आ रही परंपरा में अपने लिए एक नया रास्ता बनाया और अकेले ही गाने का अहद किया। ध्रुपद गायन में उनकी अपनी विशिष्ट शैली और प्रयोग अविस्मरणीय है। उस्ताद वसीफुद्दीन जागर एक बेहतरीन गुरु भी है जो अपने शिष्यों को तालीम देने में लगे हुए हैं। इसके अलावा उन्हें कैलीग्राफी का बेहद शौक है। अपने इतने व्यस्त समय में से वो कुछ लम्हे अपने परिवार वालों के लिए निकालना नहीं भूलते। क्लासिकी मौसिकी को पूर्ण रूप से समर्पित उस्ताद वसीफुद्दीन जागर तबीयत से बेहद सरल और सहज है और वक्त की कद्र करना बखूबी जानती है। देश विदेश में अपने फन का मुजाहिरा कर चुके उस्ताद वसीफुद्दीन जागर को बेशुमार एजाजात से नवाजा जा चुका है और आज भी वो अपने नए प्रयोगों के जरिए ध्रुपद गायकी को हर आसुआम में मकबूल करने के लिए कोशा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका वासिफुद्दीन साहब, शख्सियत कार्यक्रम में आप आए, आपने वक्त निकाला। शुरुआत आपके बचपन ही से, बचपन ही की तरफ चलते हैं। कब आपको ये महसूस हुआ कि आपका जहन और आपकी रूह मौसिकी की तरफ मायल है? ये शुरू से ही हमारी जो ये परंपरा चली आ रही है और ये 500 बरस हो गए हैं, अभी इसी पीढ़ी में मैं हूँ, तो शुरू से ही आपके दिमाग को मोल्ड किया जाता है। जो आपकी वालदा कहती हैं आप वो करते हैं, जो आपके पिताजी बोलते हैं आप वही करते हैं, जो करते हैं उनको देखते देखते हमको भी ये वो हुआ। लेकिन शुरू में जैसे 5-6 साल की उम्र में एक सिर्फ एक एटमॉस्फेयर दिया जाता है, एक वातावरण एक बना देते हैं कि जिससे जो है बच्चे को थोड़ी सी ये कुछ ना कुछ कुछ फीडिंग रहती रहे। और उसके बाद फिर जाके 10-11 साल की उम्र में जो है फिर थोड़े से वैसे लेसन्स मिलते हैं जिसको आप
जिसमें आपकी समझ भी बढ़ती जाती है। जब मैं स्कूल में था, एक मेरी टीचर ने इस पे ये कहा था कि देखो तुम कितने खुश नसीब हो कि तुमको मालूम है तुमको क्या करना है, और जो तुम्हारे दोस्त हैं अभी तक ये सोच रहे हैं कि ये कौन से डायरेक्शन में जाएंगे, कौन से डायरेक्शन में जाएंगे। तो शुरू से ही एक ये था, लेकिन ऊपर वाले की कर्म बहुत ज़रूरी है और बुजुर्गों की दुआएं भी बहुत ज़रूरी हैं किसी भी सब्जेक्ट में आपको महारत हासिल करने के लिए। थोड़ा सा और आगे बढ़े, आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया और वो एक बहुत बड़ा हादसा आपके लिए रहा। उसके बाद आपके चचा ने आपका हाथ थामा और मंच तक लाए, और जब आपने जब परफॉर्म किया उनके साथ, वो जो पहला इंसिडेंट था उसके बारे में हम लोग सब जानना चाहेंगे। और आपका वो जो परफॉर्मेंस था, मेरे ख्याल से वो आपके वालिद के इंतकाल के चंद रोज बाद ही हुआ। जी, वो एक बहुत ही अजीब गरीब एक हादसा हुआ कि वो बिल्कुल हमारे साथ में थे और ऐसे चले गए, सिग्नल उठ के चले गए। तो एकदम हमारे लिए, सबके लिए शॉकिंग था, और मेरे ताया अब्बा उस्ताद ज़हीरुद्दीन डागर साहब के लिए भी, क्योंकि उनके साथ ही मेरे वालिद गायक करते थे, उस्ताद नसीर फयाजुद्दीन डागर, नसीर ज़हीरुद्दीन डागर। तो क्योंकि हमारे घर में बड़े ही सिखाते हैं, तो हमारे ताया अब्बा मुझे पहले से ही सिखा रहे थे, उनके उन्हीं की तालीम रही। लेकिन उनके वालिद के गुजरने के बाद ये कहा कि उनकी तरफ, क्योंकि हमेशा से जुगलबंदी में वो लोग गाते आए थे, तो ताबा को भी किसी ने नहीं सुना था अकेले। तो इस वजह से सब लोग बड़े वो थोड़े से परेशान थे, या सब लोग सोच रहे थे कि अब क्या होगा, ये जोड़ी टूटने के बाद ज़हीरुद्दीन डागर साहब का क्या होगा और कैसा होगा, और ये बच्चा जो है, क्योंकि मैं एक परफॉर्मेंस तो अब्बा के सामने दे दिया था, और 88 में मैं दे दिया था, 89 में ये पापा का एक डेथ हुई। तो उन्होंने हमेशा मेरी एनकरेज किया, हिम्मत बढ़ाई। तो मैंने एक सवाल उनसे ये पूछा था, मैं आपके साथ कैसे गा सकता हूँ, क्यों नहीं गा सकते, बिल्कुल गा सकते हो, और मैंने जो तुमको साथ में रखा, तो इसमें मैं कुछ समझ के ही कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, मैं जानता हूँ। और फिर हमारे कुछ सवाल पूछने की कोई इजाज़त तो थी नहीं ज्यादा। नर्वस थे आप उस वक्त जब आपने उनके साथ परफॉर्म किया था? बेशक मैं नर्वस था, लेकिन फिर उसमें ये भी दिखाना की भी इजाजत नहीं थी कि मतलब कहीं वो दिखा दें। उस वक्त आपने क्या परफॉर्म किया था, कुछ याद आता है इस वक्त? उस वक्त चंद्रकोस जो हमारे खान थोड़ी सी अगर आगे बढ़ें और ध्रुपद गायन की ही बात करें, अमूमन युगलबंदी की एक प्रथा रही है, लेकिन आप अकेले परफॉर्म कर रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती है आपके आगे, और आपने अकेले ही गाना क्यों पसंद किया?
देखिए एक ये भी प्रथाएं बन गई है कि गुरुमत में हमेशा लोग सोचते हैं जुगलबंदी है, ये ऐसी बात नहीं है। सब अकेले ही सीखते हैं, अकेले सीखने के बाद जुगलबंदी एक कोऑर्डिनेशन है, बहुत खूबसूरत एक कोऑर्डिनेशन है कि आप एक दूसरे को समझ के एक ही मौजू पे आप दो शख्स जो है काम कर रहे हैं, तो दैट मेक्स इट दो बाला दोहरी खुशी इसके अंदर हो जाती है कि एक ही चीज में आप आपको दो चीजों के मजे आ रहे हैं। हमारे परिवार में दो पेयर बने, उस्ताद नसीर मोइनुद्दीन डागर, नसीर अमीनुद्दीन डागर हमारे बड़े ताया थे, और मेरे तायाबा उस्ताद नसीर जैबुद्दीन डागर, मेरे वालिद साहब उस्ताद नसीर फयाजुद्दीन डागर, ये चारों भाई थे जिनके दो पेयर बने करते हैं। तो आपके कुछ अपने हैं जिनको हमने अपने इस कार्यक्रम में समेटने की कोशिश की है, उनका क्या कहना रहा आपके लिए, आइए देखते हैं। हाँ बच्चों, I'm very happy to see you here. You know, I wanted to know something about you. When do you remember that you had your first concert? Where were they? Oh, you don't remember. Okay, never mind. But you know, one concert I will never forget is after your father was no more. It was not even 3 weeks. And here you were, you know, sitting near whom we love to call Babaji. You remember? But it could make me cry, so I will not talk for too long about that. But yet all the same, you know, your mother was at home, and when I came back, she said that at that time when you were singing, you know what she felt? She felt coming in her hand, the hand of your father. And everybody said, no, he was not singing. I think this was your father himself who had come, and this is what you had told also. No, I have not done it. He was singing through me. This was very, very emotional moment for me and I think for everyone. I'm very proud of you, and now I hardly dare to call you Bachu anymore. You are Wasifuddin Dagar, Padma Shri Ustad Fayaz Wasifuddin Dagar, and I have full respect for you. You have such an art, you know, to listen to them. And I think from listening, you are really entering their minds. So that you have that extraordinary art of listening. And as you very often say, you are not listening to the words. You are listening to the in-between. You are listening to the body language. So that you know how to bring the best out of people, including out of your students. So in the coming year, you have all my best wishes. Even what you can't imagine, what you can't think of, I hope it will happen for you for the best. वासिफ, आज इतना खूबसूरत मौका मिला है कि मैं आपके बारे में कुछ कह सकूं। दागर बंधुओं के रूप में आपके पिता और आपके चाचा मरहूम को बहुत जमाने तक सुना है, और वो हादसा भी भूलता नहीं है जब एकाएक इतना बड़ा सदमा आपको बर्दाश्त करना पड़ा था उनके गुजर जाने का। उस समय आप शायद अकेले कार्यक्रम देने की सोच भी नहीं सकते थे, और उस समय आपके चाचा ने आपको शायद इस सदमे से उबारने के लिए भी हाथ पकड़ करके अपने धरातल तक आपको उठा लिया था और खींच लिया था। और ये हैरत अंगेज बात थी कि आपने जिस तरह से उनका साथ दिया, हम लोग को ऐसा महसूस हुआ जैसे हम लोग सीनियर डागर बंधुओं को ही सुन रहे हैं। वही लघु लहजा, वही अंतरंगता, वही ध्यान मग्नता, वही सुरमयता। सुरमयता शायद डागर बानी की बहुत बड़ी नियामत है। केवल तानपुरे की पृष्ठभूमि में गाना, केवल तानपुरे का निनाद और आपका सुर जो सुरमयता में डूबा हुआ, पर ईश्वर करे कि आपकी ये जिंदा दिली हमेशा हमेशा बरकरार रहे और आपके दिल का यह सुकून आपके सुरों में हमेशा तारी रहे। खुदा हाफिज़। क्या कहना चाहेंगे आपके अपने जिन्होंने बहुत करीब से आपको, आपके पिता को, आपके चचा को सुना। खुदी में डूब कर पा जाए सुराग जिंदगी,
खुद ही में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, मेरा न बनता है न बन पर अपना तो बन। क्या बात है, बहुत खूब। तो ये है कि अपने बनने की कोशिश कर रहे हैं और समंदर से आगला आग हो पानी, समंदर से आगला आग हो पानी, रियाजत से रागला राग हो रूहानी। बहुत खूबसूरत। बातचीत का सिलसिला हम आपसे जारी रखेंगे, लेकिन हम एक छोटा सा ब्रेक हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देख रहे हैं प्रोग्राम शख्सियत। सिलसिला हर शनिवार सिर्फ राज्यसभा। और ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ हैं उस्ताद वासिफुद्दीन टागर। वासिफुद्दीन साहब, अगर ध्रुपद गायकी ही की तरफ थोड़ा सा बढ़े, इसमें स्वर का कितना अहम रोल है और साथ ही साथ उस पर आपकी पकड़ कितनी जरूरी है और उस पकड़ के साथ उसमें रूहानियत का शामिल होना कितना जरूरी है। हमारे अल्लाहबंदे जाकिरुद्दीन खान साहब, मेरे परदादा अल्लाहबंदे खान साहब और उनके बड़े भाई जाकिरुद्दीन खान साहब, उन्होंने अपने दादा से बाबा बहराम खान साहब, अल्लामा बाबा बहराम खान साहब से पूछा था कि स्वर की सच्चाई क्या है। तो उन्होंने ये जवाब दिया, बेटा जिसका जितना ईमान सच्चा उसका उतना स्वर सच्चा। बहुत। ये जैसे आधार है तानपुरे का, जो अभी उन्होंने भी मंजरी जी भी ये बोल रही थी कि हम लोग से तो ये गात्री वीणा है, ये सबसे पुराना साज है हमारा जो शरीर है। तो ये दिस इंस्ट्रूमेंट इज इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग ऑल द इंस्ट्रूमेंट। जो भी कायनात में, जो भी प्रकृति में, जो भी कुछ आप देख रहे हैं, तो ये इसी ने ही प्रकृति को इस्तेमाल करके इसने बनाया है। स्वर के पीछे क्या है कि भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है, शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण है भाव। तो हम उसी से खुश हो जाते हैं और उसी से नाराज होते हैं। अगर बस में हो तो बस जा, अगर बस में हो तो बस जा, अब बस जा। अब इसी में थोड़ा सा भी हम पॉज दे दे, बस आ जा। अगर बस में हो तो बस जा। आप आ गए, आप आ गए, वही आप आ गए, आप आ गए। तो मौसिकी में इसी इन्हीं भावों को व्यक्त किया जाता है। ब्रज भाषा का काफी अहम स्थान है। तो आज की युवा पीढ़ी या आज के लोगों की अगर हम बात करते हैं, आज के वक्त की बात करते हैं, जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो क्या लोग रिलेट कर लेते हैं उस भाषा से अपने आप को? देखिए, थोड़ा बहुत समझाना पड़ता है, समझाना चाहिए, सबको समझाना चाहिए कि इतना क्लासिकल इतना दूर नहीं है जितना जहन से दूर रखा हुआ है। ये इंसान ने ही क्रिएट किया है। जब इंसान ने सब कुछ, सब्जेक्ट ही इंसान ने बनाया है। विद्या को विद्यात्मक रूप देने वाला इंसान है, विद्या को विद्या बनाने वाला, पढ़ने वाला जो है सबसे पढ़ा लिखा वो भी इंसान है, जाहिल है वो भी इंसान है। तो इंसान की कुवत क्या है कि जो जितना डूबते हैं उसको उतना पार करते चले आते हैं। तो रिसर्च इज समथिंग विच इज ऑलरेडी बीन सर्च, तो वी आर सर्चिंग, वी आर रिसर्चिंग समथिंग विच इज बीन गिवन बाय आवर फोर फादर। अगर आपके बेस्ट कॉम्पोजिशंस की बात की जाए, थोड़ा सा आगे बढ़े, यूं तो आपके अपने सारे जो कॉम्पोजिशंस होंगे, बंदिशें होंगी, वो आपको बहुत अजीज होंगी, लेकिन कोई एक आध बंदिश जो आप अक्सर गुनगुनाते हो तो हमारी ऑडियंस के लिए भी।
अब ये गमक है जिसको तो इसको बोल बांट किस के स्वरूप में बोल रहा हूँ, लेकिन ये गमक अंग है। तो लोग अक्सर इसके ऊपर सोचते हंसी आ जाती है, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। फिर एक ऐसा इसकी जो है ना बहुत कठिन है ढगर पर निकल की है, तो ये आवाज निकलना बहुत बहुत एक वक्त लगता है, क्योंकि अगर ये गलत तरीके से आवाज निकाल दें, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट है तो मैं इसलिए, क्योंकि जहाँ पे तानपुरे विंड इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी, विंड इंस्ट्रूमेंट ने इसी से तो कॉपी किया, तो परकशन के भी वेरिएशन इसी से निकले। अब डमरू है शिव जी का, बहुत सुंदर। आपके कुछ और रत्न भी हैं जिनकी राय हमने ली आपके बारे में, आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा। आसिफ, ये आज बहुत ही खुशगवार मौका है कि राज्यसभा टीवी आप एक खास प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। भाई के तौर पे मैं क्या कहूँ, हम मुझे याद है कि पापा बहुत कम उम्र में, जब आप बहुत ही छोटे थे, आपका करियर अभी शुरू ही हुआ था, एक ही परफॉर्मेंस हुआ था और अगले परफॉर्मेंस, वो यकीनन बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट है मेरे ख्याल में पूरे खानदान के लिए। वो मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन जब व्हेन आई एम अकॉम्पनिंग हिम एज अ तानपुरा प्लेयर, तो यकीनन पूरा सब कुछ बदल जाता है कि जब भी तानपुरा छेड़ना है, क्योंकि इतना सेंसिटिव मामला है कि आप तानपुरा छेड़ रहे हैं और आपको पूरा ख्याल रखना है कि सही ढंग से छेड़े तानपुरा, तो उस वक्त हल्के से भी जब आप पीछे देखते हैं तो घबराहट बहुत ज्यादा होती है, और बस दुआ ही होती है कि मेरी वजह से कुछ गड़बड़ ना हो और आपका मूड किस्सा खराब ना हो और आप अच्छे से अच्छे मूड में गाएं। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह करे सारी आपकी ख्वाहिश पूरी हो, दुनिया भर की आपको खुशियां मिले, और ये सिर्फ मेरी तरफ से नहीं, सब बहनों की तरफ से, पूरे खानदान की तरफ से है। आपके लिए कहा जाता है कि आप आज के सिनेरियो से ध्रुपद गायकी को बहुत खूबसूरती के साथ जोड़ देते हैं और ऑडियंस आपसे रिलेट कर जाती है बहुत चंद मिनटों में, कैसे कर पाते हैं आप ये सब? I'd like to share. A good audience is those audience which can squeeze maximum out of the artist. क्योंकि हम उस टाइम उनके लिए होते हैं और वो जितना भी निचोड़ सकते हैं, क्योंकि हर इंसान को खुशबुओं को फैलने का बहुत शौक है, मगर मुमकिन नहीं है हवाओं से रिश्ता किए बगैर, तो ये बहुत जरूरी है।
एक और भी शेर बहुत अच्छा है, हम अपनी दौर की खुशियां खरीदते कैसे। हाँ। हम अपनी दौर की खुशियां खरीदते कैसे, हमारी जेब में पिछली सदी के सिक्के थे। बहुत खूब। तो लेकिन मैं थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया, जिनके भी शेर है मैं अभी नाम याद नहीं आ रहा है, उनके वो बड़े परेशान होंगे अगर मैं ये कहूंगा। हम इसी दौर में अपनी खुशियां खरीदेंगे ऐसे। अच्छा। हम इसी दौर में अपनी खुशियां खरीदेंगे ऐसे अपनी पिछली सदी के सिक्कों से। वो आप किताब लिख रहे हैं ध्रुपद गायकी पर, क्या सोच है उस किताब को लिखने के पीछे? What does music have? म्यूजिक में क्या है? म्यूजिक में स्वर है, स्वर है, लय है, और एक बहुत खूबसूरत एक चीज है, उसके अंदर सुकून है, शांति है। Word, word, word does not make a good speech. The space between the two words is also speech. तो उस शांति को सुनने की कुवत आए। फिल्मी गीत हम सब के नजदीक कहीं ना कहीं होते हैं, आपने भी कभी कोई ना कोई गीत जरूर गुनगुनाया होगा। इस वक्त अगर आपको कोई गीत याद आता हो तो हम लोगों के लिए जरूर गुनगुनाए उसे। देखिए इन गीतों में भी ये गुण हुआ, जो भी राग पे आधारित होते हैं वो थोड़े दिन जी जाते हैं जी। और जो पुराने गाने हैं वो इसीलिए अभी तक जीवित हैं क्योंकि वो राग पे आधारित है। मनोरे तू काहे ना देर धोरे, ओ निर्मोहिये मोना जाने, जिनका मन होते इस जीवन की चढ़ती ढलती, रूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा, काहे ये जतन करे मन रे, तू काहे न धीर धरे। बहुत बहुत शुक्रिया वासी साहब, आप शख्सियत कार्यक्रम में आए और हमारे साथ इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक ख्वाहिशात कि आने वाला वक्त आपके लिए बहुत खुशियां और कामयाबी लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही, एक और नए सितारे के साथ आपसे जल्द होगी मुलाकात। इजाजत दीजिए, नमस्कार।